हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। दिलुस ब्लॉक में आपका स्वागत है। आज हम आए ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में स्थित पारादीप बंदर यानी पारादीप पोर्ट। अब पारादीप पोर्ट आज हम घूमेंगे। पारादीप पोर्ट के साथ और क्या क्या साइट सीन है वो भी देखेंगे। रुकने की यहाँ क्या व्यवस्था है, यहाँ तक आने के लिए क्या सुविधा है, खाने पीने की क्या सुविधा है, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो आपको लोड करूँ ऐसे जानकारी वाला वीडियो, पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अभी चलिए घूमते हैं पारादीप बंदर। अभी सुबह सुबह हम पारादीप पहुंचने वाले हैं। अभी पारादीप आने के लिए क्या सुविधा है, अगर ओडिशा के बाहर से आप कहीं से भी आ रहे हो तो अगर भुवनेश्वर का टूर प्लानिंग आपका है तो भुवनेश्वर से एक दिन का टूर आप बनाए पारादीप, तो एक दिन में आप घूम के जा सकते हैं। पारादीप से भुवनेश्वर का दूरी है 125 किलोमीटर। अगर पारादीप में आप रहना चाहते हैं तो बस से आ सकते हैं। बस सुबह आपको बरमुंडा बस स्टैंड से मिल जाएगी, 200 रुपया का उसका टिकट, 200 रुपया के आसपास है। अगर कैब करके आते हैं तो आपका 3000 रुपया चार्ज लगेगा। ट्रेन का भी सुविधा है, अगर स्टे करना चाहते हैं तो सुबह मॉर्निंग 9 बजे के आसपास आपको भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से ट्रेन भी मिल जाएगी। अगर कटक से आप आ रहे हैं, कटक से पारादीप का दूरी है 95 किलोमीटर, और बस से वहाँ से भी आपको बस मिल जाएगी 150 रुपया में। कैब करके भी आते हैं 2500 रुपया चार्ज लगेगा। आसपास शहरों से आप पर्सनल व्हीकल भी लेके यहाँ तक आ सकते हैं। अभी पारादीप जब आप एंट्री करेंगे, थोड़ा वीडियो में पीछे देखे होंगे, एक ट्रैफिक आया एंट्री करने के बाद। पारादीप में एक मेन ट्रैफिक आया, और ट्रैफिक से राइट साइड जाएंगे तो सी बीच के तरफ आप जाएंगे। पारादीप शहर के अंदर सीधा अगर जाते हैं वो आपका नेहरू बंगला और फिश हार्बर आएगा। अभी चलिए हम पहले स्पॉट फिश हार्बर देखते हैं। अभी हम पहुंच गए पहला प्लेस फिशिंग हार्बर। इसके अंदर जाने के लिए टिकट का चार्ज है 5 रुपया। अगर आप 4 व्हीलर लेके आए तो 20 रुपया टिकट लगता है। इसके अंदर मछुआरे समंदर से ट्रॉलर लेके मछली पकड़ते हैं। इनका मछली का हब है यहाँ। यहाँ से बाहर राज्यों को मछली भेजा जाता है। आगे चलिए हब भी देखेंगे, ट्रॉलर देखेंगे और मछली वगैरह भी देखेंगे। ये देखिए सामने बहुत सारा मछली, ये समंदर से पकड़ के लाए हैं। अगर चाहे यहाँ भी आप एक बार आ सकते हैं। इसके बाद अभी चलिए चलते हैं नेहुर बंगला।
अभी हम पहुंच गए हैं नेहुर बंगला। ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक बढ़िया सा पार्क है, यहाँ भी कुछ देर आप बिता सकते हैं। और राइट साइड में, अभी चलिए थोड़ा आगे मैं दिखाता हूँ, राइट साइड में यहाँ पिकनिक बनाने के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं। देखिए इसमें ज़्यादातर लोग यहाँ पिकनिक बनाने के लिए आते हैं आसपास शहरों से। ये एक बढ़िया सा पिकनिक स्पॉट है, यहाँ लोकल में ये एक बढ़िया सा पिकनिक स्पॉट है। उड़ीसा से सारा शहरों से, बहुत सारा शहरों से यहाँ लोग आते हैं सर्दियों में पिकनिक बनाने के लिए। ये महानदी और समंदर का एक जॉइंट है, वो आगे भी आपको दिखाऊंगा। बीच बीच में यहाँ डॉल्फिन भी आपको दिखेंगे, बढ़िया सा जगह है, फोटो वगैरह शूट कर सकते हैं। थोड़ा सावधानी से यहाँ घूमिए, ये जो पत्थर है पत्थर के अंदर बड़ा बड़ा गैप है, शायद गिरने की ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए थोड़ा देख के यहाँ घूमिए। ये जो सामने देख रहे हैं महानदी और आपका समंदर का यहाँ जॉइंट है, यहाँ बिल्कुल भी आप नहाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यहाँ लहर बहुत तेज है। ये मछुआरे, उनका टेक्निक है, यहाँ आपका वो आप मछली पकड़ रहे हैं वो जा सकते हैं, आप यहाँ बिल्कुल भी मत जाइए। आप जो मैंने पार्क दिखाया था आते टाइम में, वो पार्क साइड में सी बीच है, वहाँ आप जा सकते हैं। अभी चलिए चलते हैं जगन्नाथ मंदिर देखने के लिए। ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है, उनका ऑफिस है ये बिल्डिंग, जब जगन्नाथ मंदिर आप जाएंगे और रास्ते में आपको दिखेगा। अभी हम जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए, ये जगन्नाथ मंदिर का मुख्य द्वार है। मंदिर के अंदर आपका मोबाइल वगैरह अलाउ है, जूता वगैरह बाहर रखिए। अभी चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर आपका बहुत सारे आपका और भी मंदिर है, वो भी हम देखते हैं। अभी चलिए प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करते हैं और चारों ओर बहुत सारा मंदिर है वो भी घूमते हैं। आपका पारादीप का बस स्टैंड है सामने जो देख रहे हैं, बस से अगर आप आएंगे यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। बस स्टैंड के पास आपको होटल्स भी मिल जाएंगी, होटल आप यहाँ आपका 1200 से 1500 रुपया होटल मिलेगी। अगर पांथा निवास, आप गवर्नमेंट का पांथा निवास बुकिंग करना चाहते हैं तो उनका नंबर और वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर यहाँ आप एक दिन के लिए रुकना चाहते हैं पारादीप में, तो ऑनलाइन बुकिंग करके आपका पांथा निवास भी आप आ सकते हैं। अभी चलिए चलते हैं सी बीच देखने के लिए। सी बीच जब देखने के लिए जाएंगे, रास्ते में एक बढ़िया सा आपका पार्क आएगा, चाहे तो ये पार्क भी आप देख सकते हैं। सी बीच जाने के रास्ते में आपको यहाँ बहुत सारा बड़ा बड़ा होटल भी देखने को मिलेगा, जो आपका वन नाइट के लिए आपका 3 से 3500 रुपया इसका चार्ज लगता है, चाहे यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। ये समंदर के पास है। अभी चलिए देखते हैं लाइट हाउस। सी बीच के पास है जो सामने देख रहे हैं लाइट हाउस। लाइट हाउस का जो टाइमिंग है, शाम को 4 बजे से 5 बजे खुला रहता है 1 घंटा के लिए। इसके अंदर जाने के लिए 10 रुपया टिकट लगता है। ये एक्वेरियम भी यही पास है, लाइट हाउस के पास। चलिए एक्वेरियम देखते हैं। अभी हम पहुंच गए एक्वेरियम। एक्वेरियम पूरा समंदर के पास ही है और वहीं पर लाइट हाउस भी है। एक्वेरियम का जो टाइमिंग है, सुबह 9 बजे खुलती है और शाम को 7 बजे बंद होता है। इसका जो चार्ज है अंदर जाने के लिए, अगर 5 साल के अंदर आपका चाइल्ड है तो 3 रुपया टिकट लगता है, और 5 साल से 12 साल तक 6 रुपया टिकट लगता है, और बड़े लोगों के लिए 20 रुपया।
अगर मोबाइल कैमरा से शूटिंग करते तो 30 रुपीज़ लगता है, और वीडियो कैमरा अगर करते तो 70 रुपीज़ लगता है। अभी एक्वेरियम देखने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे, लेफ्ट साइड अगर जाएंगे, आपका पारादीप पोर्ट का 5 नंबर गेट है, वहीं से आप जहाज़ देख सकते हैं, और सीधे जाएंगे सी बीच। अभी चलिए पहले सी बीच देखते हैं, उसके बाद जहाज़ देखने के लिए चलेंगे। अभी हम पारादीप सी बीच पहुंच गए। ये देखिए पार्क सा बना हुआ है, अगर आपके साथ किड्स है खेल सकते हैं। और एक चीज का यहाँ याद रखिए, यह समंदर में थोड़ा पानी में ज़्यादा करंट है, या स्नान मत करिए तो अच्छा है। लोग स्नान करते हैं तो आपका रिस्क में आप स्नान कर सकते हैं। और एक बात, यहीं पास ही आपका समंदर के पास ही लाइट हाउस एक्वेरियम और पारादीप पोर्ट का 5 नंबर गेट, जहाँ आप जहाज़ देख सकते हैं बाहर से, यहीं पास ही है। ये ऊँट से जो रोड बना हुआ है, ये पूरा समंदर के पास जाएंगे। और राइट साइड में थोड़ा कैमरा में शायद नहीं दिखा होगा, थोड़ा दूर है, दिख नहीं रहा होगा, वो एक प्लास्टिक का रोड बना हुआ है समंदर के अंदर, वहाँ आप भी फोटो वगैरह खींच सकते हैं। अभी चलिए चलते हैं जहाज देखने के लिए। ये पारादीप पोर्ट का 5 नंबर गेट है सामने जो देख रहे हैं, यहीं से आप जहाज देख पाएंगे। पहले इसके अंदर आपका बस थी, बस घुमा के लाती थी, अभी कोरोना से बस सर्विस बंद है, इसीलिए यही 5 नंबर गेट से दूर से ही आपको जहाज देखना पड़ेगा। अभी पारादीप अगर घूमने का कितना खर्चा आएगा, हम जितने भी साइट सीन किए कितना खर्चा आएगा, अगर आप उड़ीसा के बाहर से आते, अगर भुवनेश्वर से एक दिन का प्लान आप बनाते हैं पारादीप घूमने का, आपका 1 डे 2% अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट में बता रहा हूँ। हाँ, जो आएंगे होटल अगर यहाँ रुकेंगे तो 1200 से 1500 रुपया लगेगा। एक दिन का टूर है आपका, रुकना नहीं पड़ेगा, घूम के ही आप चले जाएंगे, इसलिए मील्स का 600 से 1000 रुपया। अगर कैब जो लाएंगे कटक या पारादीप से, आपका 3000 से 3000 के आसपास खर्चा आएगा। कुल मिला के आपका 4000 रुपया खर्चा आएगा। अगर रुकते हैं तो 5500 रुपया आपका खर्चा आएगा। खाली पारादीप घूमने का एक दिन का टूर है। अगर पारादीप टूर का आप 2 दिन प्लान बनाते हैं कटक या भुवनेश्वर से, जब आप रिटर्न जाएंगे पारादीप से, तो और भी बहुत सारा जगह है, जैसे कि सारड़ा मंदिर, गोरखनाथ टेम्पल, जगन्नाथ मंदिर, सियाली बीच, ऐसे और भी बहुत सारे चीज़ें मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा। ये खाली पारादीप का टूर का प्लान था। जब पारादीप से आप रिटर्न करेंगे बाई रोड, एक नायरा पेट्रोल पंप आएगा, पेट्रोल पंप के पास एक होटल है, बढ़िया सा होटल, माँ होटल, बढ़िया सी फूड मिलती है, चाहे तो ये आप खा सकते हैं। इनका नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो आने से पहले फ़ोन करके भी ऑर्डर कर सकते हैं क्या खाना चाहते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय जगन्नाथ।